नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आज आरजेडी का बिहार बंद है और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के घटक दलों के नेता कार्यकर्ता सड़क पर सुबह 7 बजे से उतर गए हैं। सबसे पहले मुकेश सहनी उतरे हैं और अब थोड़ी देर में दूसरी पार्टियों के नेता भी उतरेंगे। आरजेडी ने पुरजोर तैयारी की है बिहार बंद को सफल बनाने के लिए। इस बीच तेज प्रताप यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके बिहार बंद को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर जो भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है, अल्पसंख्यकों को देश से भगाने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ आहूत बिहार बंद को सफल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार बंद में शामिल होइए। तो तेज प्रताप जो लगातार चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए ट्वीट करके अपील किया है। अब देखना यह है कि तेज प्रताप सड़क पर उतरते हैं या नहीं, क्योंकि तेज प्रताप को भी बिहार बंद में शामिल होने के लिए अलग से कोई नेता तो आरजेडी देगा नहीं, खुद उनको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी के हर नेता का ये ड्यूटी है कि वो बिहार बंद को सफल बनाए। तो बिहार बंद के आयोजन को लेकर कहीं सक्रिय तो नहीं दिखे तेज प्रताप यादव, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी नज़र टिकी हुई है तेज प्रताप पर कि आज बिहार बंद के दौरान तेजस्वी यादव के साथ वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव 11 बजे के आसपास बंद में निकलेंगे और डगबगला चौराहे पर पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और कैब और एनआरसी के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। तो आज का बिहार बंद काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिहार बंद आरजेडी के द्वारा दिया गया है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो फिर से एक बार बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने बिहार बंद को सफल बनाने के लिए ट्वीट किया है। जी हाँ, ट्वीट करके बिहार बंद को समर्थन देने की अपील की है और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो अब देखना यह है कि आरजेडी का ये बिहार बंद कैसा रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से चेतावनी दे दी गई है। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने गोली बंदूक और लाठी डंडा चलाया बंद समर्थकों पर तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है कि अगर किसी ने तोड़फोड़ हिंसा की तो ठीक नहीं होगा, पुलिस सख्ती से निपटेगी। और उधर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और आरजेडी के बिहार बंद पर ड्रोन कैमरा से नज़र रखने का ऐलान किया है। तो अब ड्रोन कैमरा से बिहार बंद समर्थकों पर नज़र रखा जाएगा। और आपको बता दूं कि वाम दलों के बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जो तोड़फोड़ की थी, जो हिंसा की थी, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। पप्पू यादव नज़रबंद कर लिए गए हैं। हालांकि पप्पू यादव ने आरजेडी के बिहार बंद का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आरजेडी के इस बिहार बंद से बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। अगर बिहार बंद करना ही था तो वाम दलों ने जो बिहार बंद का ऐलान किया था उसी को समर्थन देना चाहिए था आरजेडी को, लेकिन आरजेडी अकेले सब कुछ करना चाहती है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने भी 20 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन वाम दलों के 19 तारीख के बिहार बंद को देखते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया और वाम दलों के साथ हो गए। इसी तरह से तेजस्वी यादव को भी वाम दलों के साथ, बाकी दलों के साथ मिलकर बिहार बंद का आयोजन करना चाहिए था। लगातार दो तीन दिन तक बिहार बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा परेशान रोज कमाने खाने वाले होंगे। तो आज के बिहार बंद के पल पल की खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम मैदान में होंगे, हमारे कई रिपोर्टर्स मैदान में हैं, आपको पल पल की खबर हम देते रहेंगे। आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।